एविएशन कंपनी स्पाइस जेट की हेल्थ केयर शाखा स्पाइस हेल्थ ने आगामी कुंभ मेले के मद्देनजर तीर्थयात्रियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है। महामारी को देखते हुए कुंभ मेले के अधिकारियों ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है और सभी तीर्थयात्रियों के लिए पास अनिवार्य किए हैं। निगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के आधार पर ही यात्रियों को पास मुहैया कराए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी कि NABL और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त मोबाइल लैब की स्थापना भी हरिद्वार में कर दी गई है। राज्य की 5 अलग अलग सीमाओं पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा का इंतजाम किया जा चुका है। कंपनी का कहना है कि 26 फरवरी से टेस्टिंग सुविधाओं पर कार्य शुरू हो जाएगा। कुंभ मेले में हर बार लाखों की संख्या में दुनिया भर से लोग शिरकत करते हैं। ये धार्मिक मेला हर 4 वर्ष में बारी बारी से गंगा नदी यानी कि हरिद्वार, शिप्रा नदी यानी कि उज्जैन, गोदावरी यानी कि नासिक और गंगा, यमुना और सरस्वती संगम तट प्रयागराज में मनाया जाता है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्पाइस हेल्थ की सीईओ का कहना है, कुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु एक राज्य की सीमा में दाखिल होते हैं। मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी उठाने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। हम राज्य में अपनी मल्टीपल टेस्टिंग फैसिलिटी के माध्यम से जल्द और बिना किसी जोखिम बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें आपको कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से श्रुति रिपोर्ट।